बोलो। चलो, तकदीर ने इतनी मेहरबानी तो कर दी मुझ पर कि तुम्हें मैं देख तो सकता हूँ, तुमसे आसानी से बातों कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, इस मेहरबानी को दीवानगी मत बनने देना, वरना नुकसान हम दोनों का होगा। मेरा घर मत उजाड़ो। तुम्हारा घर उजड़ेगा तो मेरे दिल का चमन आबाद होगा ना। वक्त, जैद, ये वक्त है इन बातों का? वक्त ने पहले का मेरा साथ दिया है। उसके कसूरवार भी तुम हो। देर तुमने की थी घर पे बात करने के लिए। मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो घर पे बात करने के लिए कोई बुनियाद बनानी पड़ती ना। और मुझे नहीं पता था कि हशमत भाई इतना इंतहाई कदम उठा लेंगे। लेकिन सायरा, बस जैद, माजी की बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें मामा के पास होना चाहिए। सूप जल्दी ले आ। शुक्र है आपको होश तो आया। क्या हुआ मुझे? आप हॉस्पिटल में हैं, कल रात को आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ठीक होने में बहुत अरसा लग जाएगा। बायां हाथ तो आपका काम नहीं कर रहा, शायद सारी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजारनी पड़े। जुबान तो आपकी बंद हो ही गई है, मेरा मतलब है कि लड़खड़ा रही है, पर आप ठीक हो जाएंगी। अरे आप रो क्यों रही हैं? शुक्र करें अल्लाह से आपकी जान बच गई। घर जाना, घर की परवाह मत करें, सब कुछ मैं संभालूंगी, आप बस आराम करें। वो देखें, जैद आ गया सूप लेके। चलें उठे, अब आप सूप पिए। चलें उठे। Oh, child.